मेरा बैलेंस ही ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर, ये कुआं जो है आज से 70 साल पहले तो सिर्फ 140 रुपए में ये तैयार हुआ था। तो ये आज भी यहाँ पे शहजाद नर्सरी फार्म की ये प्रॉपर्टी है। तो ये आज भी ये देखें व्यूवर, इसमें पानी भी मौजूद है। तो ये पानी इससे निकालते हैं और ये पौधों को लगाते हैं, पीने के लिए ये पानी यूज करते हैं। तहसील दे विच पानी मन्या, यानी कि मीठा साफ सुथरा। अच्छा, पूरी तहसील में सबसे ज्यादा मीठा और साफ सुथरा पानी है। गर्मी जी पानी दा ठंडा, अच्छा सर्दी जी पानी दा गर्म। माशाल्लाह, गर्मियों में फुल ठंडा और गर्मियों में है, सर्दियों में इसका पानी जो है वो गर्म होता है। यानी कि 65 साल पहले मेरा वालिद जेड़ा है ना, ये जवान है, उम्र होगी 85 साल। वो इतो खड़ा इतो बह के ना इधर ते जी जी, तो ऐ विच बोका जे विच देखदे ते पहले चम दा बोका आंदा सी। अच्छा, इनके वाला साहब जो है इधर बैठ के इस जो रस्सा जो है इसको पकड़ के कुएं में छलांग भी लगाते थे, छलांग मार देते थे इस कुएं में और फिर रस्सा पकड़ के जो है बाहर आ जाते थे। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है और ये बड़ी क्या कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में ये काफ़ी ज़्यादा कुएं पाए गए हैं, लेकिन आजकल ये ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये अभी भी यहाँ पे ये कुआं जो है ये अपनी एक्चुअल हालत में 70 साल बाद भी है। और ये देखें व्यूवर, ये इसमें पानी तो व्यूवर ये बड़ा ज़बरदस्त साफ सुथरा पानी है, तो मीठा पानी है ये। तो ये कुआं है, तो इसमें से ये अगर आप कहें तो ये हौदी बनाई है, तो इसमें इस हौदी में जो है ये पानी ये भर के डाल देते हैं। तो यहाँ से ये पानी जो है इसकी आउटगोइंग है, ये देखें यहाँ से। तो इसका पानी से जो है वजू करने के लिए काम आता है, नहाने के काम आता है। तो ये यहाँ पे जो है ये साथ साथ नाला भी व्यूवर्स, तो इसमें नहर का पानी भी है। अगर नहर का पानी बंद हो जाए तो व्यूवर्स ये कुएं का पानी जो है वो यहाँ पे डाल दिया जा सकता है। तो लेकिन अब जो जैसे भाई बता रहे हैं कि ये दौर जदीद है, तो अब टर्बाइनें वगैरह लगा दी हैं, लेकिन अभी भी इसको भी ये यूज़ करते हैं। तो व्यूवर, ये टोटली 70 साल पुरानी हर चीज़ इसकी सवाए इस बकट के। तो वो व्यूवर ये देखें, लकड़ी का ये बना हुआ है। तो इसको जो है ये ऐसे घुमा के खींचते हैं व्यूवर्स पानी को, तो इंतहाई खूबसूरत।